कल सही समय पे परिवार सहित आएंगे और इन्हीं के साथ जरा ध्यान देना, हाथ जोड़ के बैठे, झोली फैलाए। सौभाग्यवती नारियां सिर पर पल्ला रखे, सौभाग्यवती नारियां सिर पर पल्ला, और एक बार कहिएगा मेरे साथ, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव जो भी आपकी कामना हो मन में सोच लेना, 100% गारंटी है भोलेनाथ आप पे कृपा करेंगे और कल जो आएंगे उन्हें भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे। सो जी कहते हैं ऋषियों, शिवलिंग भी रखना चाहिए। शिवलिंग को स्त्री हाथ लगा सकती है, शिवलिंग का जलामृत भी पान किया जा सकता है, शिवलिंग का लगा भोग भी खाना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में ईशान दिशा में रखना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी का मुख मंदिर में, घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखना चाहिए। शिवलिंग कहां रखेंगे? घर के मंदिर के ईशान दिशा में, और जलहरी का मुख कहां होगा? उत्तर। क्यों? जितनी भी मंदिर शिवलिंग शिवजी के होंगे, देखना जाकर, भारत में नहीं विदेशों में भी अगर शिव मंदिर होंगे तो प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग की जलेरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। क्यों होता है ये तो कल की कथा में बताएंगे, आज केवल इतना समझ ले कि शिवलिंग का खूब पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा करें और किसी मंदिर में जाए तो पहले शिवजी की पूजा करें। पर आपको तो पूजा करना भी नहीं आता, ये तो मैंने आपको बता दिया शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, सामग्री पूजा की कैसे, अब पूजा कैसे करें? पहली बार घर के मंदिर के शिवलिंग की पूजा पूर्व दिशा में मुख करके करनी चाहिए। नोट कर ले, घर के शिवलिंग की पूजा करें तो कौन सी दिशा में मुख रखेंगे? जोर से बोलिए, पूर्व। लेकिन यदि घर से बाहर किसी मंदिर में, तीर्थ में, शिवालय में, शिव के मंदिर में यदि पूजा करने का सौभाग्य आपको रोजाना या कभी कभी पड़े तो ध्यान रखना, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवजी को जल चढ़ाना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही लाल चंदन लगाना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके पुष्प चढ़ाने चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके भांग, धतूरा, आग, समी, दुर्वा, घास, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर ही खड़े होकर भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि दिशा से ही दशा बनती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारते न सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। आज का कलिकाल का मनुष्य इसीलिए दुखी है कि जिंदगी में वो पूजा करना करता तो है पर ना उसे दिशा का पता है ना दशा का पता है। धन्य। और इसी बात
इसी बात को शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने कहा। हाथ जोड़िए, यो वैदिकम अनात्रत कर्म स्मार्तम अथा पिवा अनित्य समाचरे न मृत्यु न संकल्पम फलम भवे। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं यो वैदिकम अनात्रत्यु, जो वैदिक धर्म के विधान को छोड़कर कर्म स्मार्तम अथा पिवा मनमाने ढंग से जिस दिशा में मुंह कर लिया, जैसे जल चढ़ा दिया, जैसे चंदन लगा दिया, जैसे फूल चढ़ा दिया, अन्यत समाचारे मृत्यु न संकल्प फलम भवे। मनमाने ढंग से की गई पूजा से भगवान की कोई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और इसी बात को तुलसीदास जी महाराज भी उत्तरकांड में कहते हैं। काक भुसंड जी कलयुग की कथा को सुनाते हुए गरुड़ से कहते हैं, श्रोति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेन चलहि नर मोह बसे कल्पहि पंथ द्वारे। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, श्रुति कहते वेदों को, शास्त्रों को, सम्मत जो हरि की भक्ति है, संजुत विरति विवेक जो ज्ञान है, तेन चलई नर मोह बस। आज का मनुष्य मोह के कारण, अज्ञानता के कारण सही मार्ग से पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना नहीं करता, इसलिए उसे पूजा का फल नहीं मिलता, फिर दुख मिलता है, तो सनातन को छोड़ करके दूसरे धर्मों में जाता है ना, भटक जाता है, भटक जाकर दूसरे के पंथों में जाके अटक जाता है, और फिर आखिर में बीच में लटक जाता है। शिव की पूजा कभी भी मंदिर में करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, हाथ जोड़ो, जल चढ़ाओ, जो भी शिव जी की पूजा करने के लिए जितना समय तुम देते हो, कौन सी दिशा में मुंह होगा, जोर से बोलिए, उत्तर। दूसरी बात, जब भी जल का लोटा चढ़ाए, यदि एक हाथ से भी चढ़ाए तो दूसरे हाथ से भी कुछ होना चाहिए, वरना हमेशा शिव अगर दोनों हाथ खाली हो तो लोटे को दोनों हाथों की अंजलि में पकड़ना चाहिए। कहोगे महाराज पकड़ते तो हैं, पर कई कई माह से तो गर्दन को पकड़ लेते हैं लोटे की, कई कई अंगुली डाल के जल चढ़ाते हैं। और एक बात बहुत नई बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है जितनी देर बैठाऊंगा, जितने दिनों तक कथा सुनाऊंगा, वही सुनाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं सुनी, और वही सुनाऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। शिव की पूजा करना कितने लोग सुनना चाहते हैं छोटे से समय, क्या बात है। यही ऋषि मुनि भी सूत जी महाराज से सुन रहे हैं, शिवलिंग को जल चढ़ाओ या तो एक हाथ की हथेली में से आप चढ़ाएं, यदि दूसरा हाथ में कुछ हो, वरना सच्चे दिल से जल चढ़ाना हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करके चढ़ाना। कागज पेन है तो नोट कर लेना, एक लोट जल का लेकर जाना, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, भगवान कहते तू चंदन लगा या ना लगा, तू अक्षत चढ़ा या ना चढ़ा, फूल भी मत चढ़ा, तू 2 चीज चढ़ा दे, एक जल चढ़ा दे, एक बेल पत्र चढ़ा दे। अगर तुझे बेल पत्र भी ना मिले तो कल की कथा में बताया था कहां से बेल पत्र लेंगे, शास्त्र कहता पहले से चढ़े हुए शिवलिंग के बेल पत्रों को उठाकर
अपने लोटे के जल से धो लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए, तो भगवान शिव केवल एक लोटे से प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो जल का लोटा भी चढ़ाने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट भी नहीं लगेगी, मगर वो 2 मिनट भी विधान से चढ़ाइए। पहली बात, लोटे को पकड़ने का ढंग सीख लीजिए जो कोई नहीं बताएगा, और बताएगा तो पहले अपने खाते में पैसे मंगाएगा। हाँ, आज तो व्यापार है, धन देना, और ऐसे लोगों को फंसा फंसा के दुख मिटाने के उपाय बताने का व्यापार है, ऐसे विद्वानों की भरमार है। लेकिन याद रखना, किसी के भ्रमित में मत आना, ये सब केवल अपना भला चाहते, तुम्हारा भला नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुझे कुछ मत देना, मेरी कोई फीस नहीं है, कोई भेंट नहीं है। तुम दोनों समय अगर रोटी ना खिलाओ तो भी मैं भूखा रह के तुम्हें कथा सुना सकता हूं, बस तुम कथा सुन करके जो बताओ बस उस पे अमल करते रहना, जिंदगी में हमें याद करते रहना। मेरे भोलेनाथ से फरियाद, लोटा पकड़ते समय ध्यान रखना, दोनों हाथों से कभी भी सूर्य को जल चढ़ाओ, तुलसी को जल चढ़ाओ, शिवलिंग को जल चढ़ाओ, या किसी को जल पिलाओ। कितने हाथों से? दोनों हाथों की अंजलि से। लोटा किसी भी चीज का हो, पर तांबे के लोटे में जल अमृत हो जाता है, इसलिए जल चढ़ाओ तो तांबे के पात्र में, क्योंकि तांबे के बर्तन में जल क्या बन जाता है? जोर से बोलो, अमृत। तांबे के पात्र में जल अमृत बन जाता है, कांसी के पात्र में दही अमृत बन जाता है, और चांदी के पात्र में दूध अमृत बन जाता है। और चांदी ना हो, कहो महाराज चाय किस में अमृत बन जाती है? शिवपुराण में नहीं लिखा, पर मुझे, मैंने खोज की, कुल्लड़ में चाय पिया जाए तो वो चाय भी आपको अमृत तुल्य बनकर लाभ दे। ताली तो बजा। लोटा तांबे का जल का भर करके जब हथेली में पकड़ो तो ध्यान देना, धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते, शिवपुराण कहती है कि जब दोनों हाथों की अंजलियों में जल का लोटा, व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, संत हो या भक्त, गरीब हो या अमीर, कोई भी शिवलिंग की पूजा करे या सूर्य को जल चढ़ाए या किसी को पिलाए, तो दोनों हाथों में जब जल का लोटा पकड़े तो भूल कर भी हाथों के अंगूठे उस जल के पात्र को छूने नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा कर्म में बताया है दोनों हाथों की अंजलि में लिए गए पात्र को यदि दोनों अंगूठे स्पर्श कर जाते हैं तो वह मुद्रा राक्षसी मुद्रा बन जाती है। जैसे हाथ की पहली अंगुली को माला में नहीं लगाना चाहिए, पहली अंगुली को यज्ञ में आहुति देते समय सामग्री में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहली अंगुली से दांत कभी साफ नहीं करना चाहिए। कैसे दांत साफ करना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कल की कथा में बताऊंगा, आज केवल इतना समझ ले, जैसे इस अंगुली का हमें प्रयोग करने के लिए निषेध कहा गया है, ऐसे ही दोनों हाथों की अंजलि में जल का पात्र जो भगवान की पूजा में हमें प्रयोग करना है, या किसी को जल पिलाना है, या तुलसी को चढ़ाना है, पीपल को चढ़ाना है, या केले को चढ़ाना है, किसी संत के चरण धोने हैं, ऐसे समय में इन दोनों हाथों के अंगूठों को उस लोटे में, उस पात्र में नहीं लगाना चाहिए। अंगूठों को दूर करते हुए पात्र को पकड़ करके इस नियम से शिवलिंग की पूजा करें, पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा
पहले किस पे डालेंगे? गणेश। और याद रखना, जब भी गणेश की पूजा करो तो तुरंत गोरा जी की पूजा करो। कभी पूजा पंडित जी से करा के देखना, वो गणेश के साथ में गोरा की पूजा कराते, जिसे आप लक्ष्मी कहते। गणनांत्वा गणपति गंग हवा महे, प्रिय नांत्वा प्रिय पति गंग हवा महे, निधि नांत्वा निधिपति गंग हवा महे, वसोमम। जैसे गणपति का मंत्र पूरा होगा, उसी मंत्र के साथ ही बोलेंगे अंबे अंबिके अंबालिके नमानियति कश्यप। इसलिए गणेश के साथ में गोरा जी की पूजा होना जरूरी है। पार्वती को ने वरदान मांगा था, दिया है कि सदैव तेरे साथ पूजनी रहूंगी मैं। गणेश ने कहा मेरी पूजा मैं उसी की स्वीकार करूंगा जो मेरी पूजा के बाद मेरी माता की पूजा करेगी। इसलिए गणेश को जल चढ़ाते समय बिना तिलक लगाए पहले दूसरी बार किसको जल चढ़ाओगे तो बता दो? गौरी मैया, गौरी गणेश को जल चढ़ाना, फिर बाद में नांदिया को चढ़ाना, बैल शिव और कार्तिक जी की मूर्ति हो तो उसको जल चढ़ाना। पहले सबको जल से स्नान कराना, थोड़ा थोड़ा चढ़ाना। लेकिन आज हम शिवलिंग को जल तो चढ़ाते हैं, पर जलेरी को जल नहीं चढ़ाते। हमें किसी ने बताया नहीं, शिवलिंग शिव का निराकार स्वरूप है और ये जलेरी, इसमें तीन देवियां विद्यमान है, भगवती, दुर्गा, महालक्ष्मी और सरस्वती। क्योंकि मनुष्य की तीन इच्छाएं होती है, धन्यना, इच्छा शक्ति। तीन शक्तियां होती है हर मनुष्य में, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति धन्यना, इच्छा शक्ति स्वयं मां लक्ष्मी प्रदान करती है, क्रिया शक्ति भगवती प्रदान करती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रदान करती है। आज इसी के घर घर में कलेश है, बुद्धि विध्वंस है। आज इंसान बुद्धिमान नहीं बन पाता है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर में कलेश होता है, हर इंसान को क्रोध आता है, क्योंकि वो केवल शिवलिंग की पूजा करता है। जलेरी की पूजा के बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी है। मैंने बताया था, अभी समझ में नहीं आया तो बता देता हूं, शिव का अर्थ क्या बताया मैंने? शिव का अर्थ क्या है? कल्याण करने वाला। इस शिव शब्द में ध्यान देना, इस शिव शब्द में जो छोटी की मात्रा है यह भगवती शक्ति रूप है। जब तक शिव कल्याण करने वाला शब्द है, जब तक इस शब्द में इकी मात्रा लगी है, आप शिव में से इकी मात्रा हटा दीजिए, क्या बन जाए? जोर से बोलो साव। और साव मानी मुर्दा। ये जलेरी भी शक्ति है, शक्ति से ही शक्तिमान की पूजा होती है। राधा के बिना श्याम नहीं, सीता के बिना राम नहीं, तो भगवती के बिना मेरे भोलेनाथ। जलेरी में जल चढ़ाइए और याद रखना, जलेरी में अंदर पांच बार जल चढ़ाना चाहिए। गणेश, गोरा, नांदिया, कार्तिक आदि को जल चढ़ा के आखिर में जलेरी में पांच गण विद्यमान है। नंदीश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, कीर्ति मुखाय नमः, कुबेराय नमः, नाग देवताय नमः। पांच बार जलेरी में जल डालना, फिर थोड़ा सा जल जलेरी में डालना। अब जो जल बचा है सबको चढ़ाने के बाद, जितना जल लोटे में बचा है उसी को एक धारा में, दोबारा जल नहीं लेना चाहिए। जितना भी बचा है थोड़ा या ज्यादा, शिवलिंग के जल की कोई क्वांटिटी का रेट नहीं है, वेट नहीं है, सेट नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसलिए जितना जल बचा है इन दोनों अंगूठों को हटा के सबको जल चढ़ाना जैसा मैंने बताया, और दोनों हाथों से एक धारा में शिवलिंग पर एक धारा में पूरा जल चढ़ा,
कौन सी दिशा में मुख करके चढ़ाओगे? उत्तर। चाहे बैठ के चढ़ा दो, चाहे खड़े होकर चढ़ा दो, मगर कभी भी गलती मत करना। एक बार जल का लोटा चढ़ा के फिर जल भर के चढ़ाना, ऐसी गलती जिंदगी में कभी मत करना। जो लोटे में बच्चा जल चढ़ाइए, लोटे को नीचे रखिए और तिलक लगाइए लाल चंदन का घिसकर, और जिस पत्थर से चंदन घिसे कभी भी सीधा उस चंदन से चंदन मत लगा दे, न तो सारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी, घर परिवार व्यापार बर्बाद हो जाएगा। यदि आपने सीधा चंदन घिसे, पत्थर से चंदन लेके किसी को लगा दिया, ठाकुर जी को लगा दिया या शिवलिंग को लगा दिया, हमेशा पत्थर से अपने हाथ में लीजिए, किसी कागज में लीजिए, कटोरी में लीजिए, किसी पत्ते में लीजिए, मगर सीधा किसी भी पत्थर से चंदन सीधा नहीं लगा। और इस तरह से चंदन के बाद अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, भांग, जो अगर सामान ना हो तो भगवान एक और कहा है कि जो वस्तु पूजन के समय पूजा करने वाले के पास ना हो, अगर उस वस्तु का आंख बंद करके ध्यान करके मन से चढ़ा देता है, भोलेनाथ बोले मैं उसको भी स्वीकार करूं। इस तरह से आप उत्तर दिशा में पूजन करें, और पूजन के बाद फिर भगवान की आरती करना है, पर कभी भी भोलेनाथ की आरती दीपक से मत करना। आज तक हिंदुस्तान के हिंदू लोगों ने, सनातन धर्मियों ने दीपक से भोलेनाथ की आरती की है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी आरती के विषय में दीपक का प्रयोग नहीं लिखा है। हर जगह लिखा अगर कपूर की बाती, क्योंकि भगवान शिव के लिए बोलते ना, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवाने सहितं नमः। भगवान का स्वरूप कर्पूर है। बताऊंगा कल कपूर की महिमा, आज इतना ही समझ ले, समय नहीं है। कपूर से आरती जो होती है, जो शिव की आरती कपूर से करता है, घर के मंदिर की आरती कपूर से करता है, उसके घर में भोलेनाथ भवम भवानी सहितम नमः, भोलेनाथ पार्वती के साथ विराजमान। और जब आरती कर लो ना, तो एक प्रार्थना जरूर करना। कौन सी प्रार्थना? सीधी कमर करके बैठी सौभाग्यवती नारियां सिर पर पल्ला रखे, कुर्सी पे बैठे हो या फर्श पे बैठे हो, लेकिन आप हाथ जोड़िए, सीधी कमर कीजिए, आगे आगे मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप। सच बताओ, आपको जितने मेरे भजन हैं, आज 5 दिन हो गए, कितने लोगों को बढ़िया लगे, और कितने लोग चाहते कि मेरे हाथों से लिखे भजन भी आपको मिल जाए और उपाय भी मिल जाए, पूजा करने का विधान भी मिल जाए, हमारी समस्या का समाधान मिल जाए, कितने लोग चाहते हैं? आज ही दिलाऊं कि कल दिलाऊं या धामपुर जाकर दिलाऊं? आज आरती के बाद आपके लिए पीछे हमारे सचिव महोदय गौरव वशिष्ठ जी ने व्यवस्था की है, मेरे हाथों से लिखी व्यास भजन की पुस्तिका को जरूर ले जाना, लेकिन शुरू से पढ़ना। मेरा भी परिचय है, मेरे आश्रम का भी परिचय है, जो गरीब बेटियों को पढ़ा रहा उसका भी परिचय है, और आखिर में आपका भी परिचय है। पूजा का विधान है, समाधान है समस्या का, और जितने भी भजन गा रहा हूं ये सारे उसी में लिखे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे साथ गाने की परम आवश्यकता है। हाथ जोड़िएगा और कहिएगा आगे आगे मैं बोलूंगा, ये भजन रोज गाना है भोलेनाथ के चरणों में। हाथ जोड़िए,
चरणों में रहूं हरदम, हे नाथ कृपा करना। 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 भक्ति में लगूं निषिद्ध, मुझे ऐसी शक्ति देना। भक्ति में लगूं निषिद्ध, मुझे ऐसी शक्ति देना। चरणों में रहूं हरदम, हे नाथ कृपा करना। तालियां मीठी मीठी जय हो। संकट आता है,
कोई संकट आता है तेरे नाम के सुमरन से, तेरे नाम के सुमरन से पल में टल जाता है।